इस मार्वल वीक दोस्तों, आई मीन अगर एक ही दिन में लोकी का फिनाले और द मार्वल्स रिलीज हो रही हो तो मार्वल का हफ्ता बन ही गया ना। बस वो अलग बात है कि वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स भी घुस रहा है बीच में, दो दिन बाद टाइगर 3 जो रिलीज हो रही है। क्योंकि मार्वल्स को लेकर ऑडियंस का एक्साइटमेंट थोड़ा कम है, तो फाइगी अंकल ने एक नया ट्रेलर रिलीज किया है जहां काफी कुछ खोल के रख दिया है उन लोगों ने, जिसमें आंधी भी शामिल है और थैनोस का मिशन भी। इन सारे हिस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए चलिए करते हैं फाइनल ट्रेलर का ब्रेकडाउन। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। ट्रेलर के पहले पलों में ही कैप्टन मार्वल को दूसरे बड़े एवेंजर्स की श्रेणी में लाने की कोशिश होती है। टोनी स्टार्क देखता है आयरन मैन 1 के इस सीन के साथ, उसके दिल में उसका फेमस आर्क रिएक्टर है, जिसके बाद एक आयरन मैन का कवच भी दिखाया जाता है। और स्टीव रॉजर्स दिखता है बॉक्सिंग करते हुए उस सीन में जहां निक फ्यूरी उससे मिलने आया था एवेंजर्स में। कैरल डैनवर्स को दिखाया जाता है कैप्टन मार्वल मूवी के इस सीन में जब पहली बार वो निक फ्यूरी से मिली थी, और उसी के बाद आता है स्टीव का ये आइकॉनिक लाइन एवेंजर्स एंडगेम से जहां टोनी उसे देख रहा है। वैसे अटकल है कि सीक्रेट वॉर्स में दोनों क्रिस एवेंस और रॉबर्ट डाउनी जूनियर दिखेंगे, पर रिवर्स तो सारी मार्वल कायनात की आती ही रहती है, किस पर भरोसा करे किस पर नहीं समझ में नहीं आता, तो जब तक पुख्ता खबर नहीं मिलती बिलीव होना थोड़ा मुश्किल है। उसी के बाद दिखता है एंड गेम से ये शॉट जहां मरते हुए स्टार्क को स्पेस से बचाने प्रकट हो जाती है कैरल। फिर दिखाया जाता है एंड गेम से ये शॉट जहां सारी औरतें असेंबल हुई थी, और ये पुराना शॉट जहां कैरल थैनोस के विशाल स्पेसशिप को नेस्तनाबूत कर देती है। फाइनली आइकॉनिक टोनी स्टार्क की चुटकी जिससे थैनोस भस्म हो गया था। बैकग्राउंड में निक फ्यूरी की आवाज सुनाई देती है द एवेंजर्स, जो फिल कोल्सन की मौत होती है। लोकी के हाथों यही डायलॉग बोला था उसने। It's an old-fashioned. ता है कैप्टन मार्वल कहती है रेडी, जो कैप्टन मार्वल मूवी से लिया गया है। फिर देखते हैं कुछ फैसिनेटिंग विजुअल्स, एक क्री शिप, उगलता हुआ आग, बहुत सारे क्री शिप, स्क्रल्स के भी कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। इस फिल्म में क्री स्क्रल वॉर का ट्रैक फिर से दिखेगा पीस टॉक के साथ साथ, जो सीक्रेट इन्वेजन में टीज हुआ था। क्री सेड दे ओपनड पीस टॉक्स विद द स्क्रल्स। स्क्रल को रीड करेगा ड्रोगु, जो भी सीक्रेट इन्वेजन में टीज हो चुका है। एवरी स्क्रल दैट इजंट इन एम्परर जॉर्जस कॉलोनी। यानी एक क्री ग्रुप पीस टॉक्स में शामिल होगा, दूसरा लेड बाय डार्बेन बर्बादी करेंगे। जहां डार्बेन की बात हुई तभी जोई एक्शन का किरदार डार्बेन दिखती है बर्बादी के बीच रोनन द एक्यूजर के कॉस्मी रेड जैसे हथियार के साथ। डार्बेन एक्चुअली थैनोस के मिशन को अंजाम देना चाहती है, यानी कि आधी दुनिया का खात्मा, ताकि बैलेंस बना रहे, जो इस लाइन से दर्शाया जा रहा है। There will always be more to finish it. वो ये कर रही है कमाला के मिसिंग दूसरे बैंगल की मदद से, जो शायद एमसीयू के क्वांटम बैंड्स हो सकते हैं। फाइनली दिखता है इंकर्जन, डार्बेन कॉस्मी रेड और बैंगल का इस्तेमाल से बना देती है एक वॉइड, और एक और दुनिया अर्थ 616 के साथ मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। She tore a hole in space. यही है इंकर्जन जो एमसीयू में काफी दिनों से टीज हो रहा है। Universes colliding. Endless incursions. You caused an incursion, and we're gonna fix it. और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था। तो मार्वल्स में दिखेंगे इनकर्जन। मोनिका अपने लाइट के हीलिंग पावर से इनकर्जन को भरने की कोशिश करती है। वैसे ट्रेलर 1 में मोनिका इसी इनकर्जन का इंस्पेक्शन कर रही थी। ये उल्टा फाउंटेन शायद पार्क से और जोन का किरदार प्रिंस यान का किंगडम अलादना का ही हो सकता है, जिसके साथ कैरल डांस करते हुए दिखती है। निक फ्यूरी कहता है ये वन लास्ट फाइट, जो उसने अपने फ्लॉप सीरीज सीक्रेट इन्वेजन में भी बोला था। वन लास्ट फाइट, कितने लास्ट फाइट करेगा ये बंदा पता नहीं। डार्बेन और कैप्टन मार्वल अगले सीन में टोनी स्टार्क कैप्टन अमेरिका के सिविल वॉर के फाइटिंग पोज की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और पॉसिबल है कि डार्बेन अपने कॉस्मिक रेड के थ्रू कैप्टन मार्वल के पावर्स को खुद में समा रही है। Your powers only make me stronger. क्या इस सीन में कैरल अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ रही है ताकि पीछे वाले इनकर्जन को रोका जा सके। टेसा थॉम्पसन फाइनली दिखती है एज वैल्केरी अपने कैमियो में। तो ये सवाल जो मैंने इस वीडियो में पूछा था कि कौन कैमियो कर रहा है इस बायफ्रॉस्ट वाले सीन में, उसका जवाब मिल गया है। हालांकि उल्लू बनाने के लिए अगले सीन में बायफ्रॉस्ट फिर से दिखाया गया है, ताकि हमें लगे कोई और आ रहा है, जैसे कि थॉर। फिल्म में शायद वैल्केरी और कैप्टन मार्वल का रिलेशनशिप भी दिखाया जाएगा अटकलों के मुताबिक। हो सकता है शायद फिल्म में बाद में जाके जोई को दोनों बैंगल्स मिल जाएंगे जो इस क्लिप में दिखता है। यानी हो सकता है कमाला को कुछ हो जाएगा जो कॉमिक्स में हुआ था, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी कॉमिक्स में, या फिर बाद में कमाला को रियलाइज होगा कि उसके पावर्स बैंगल्स की वजह से नहीं है, वो खुद अपने पावर्स क्रिएट कर सकती है। इनकर्शन पूरे होते हुए एक और क्लिप दिखाई देता है। इस फिल्म में जो रूमर्स चल रहे थे कि एक्समैन दिखेंगे, वो भी ठीक ही लग रहा है, स्पेशली अगले क्लिप के बाद। अगले क्लिप में एक बंदी दिखती है व्हाइट और गोल्डन कॉस्ट्यूम के साथ, उसने कुछ जिगजैग केप पहना हुआ है, देख के लगता है किसी ट्राइब को बिलोंग करती है। मॉनिटर में एक्स साइन है, जिसका मतलब शी हल्क द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब मिल रहा है। Oh, and when are we getting the X-Men? मुझे लगता है ये है एक्समैन किरदार स्टॉर्म, जो कॉमिक्स में केनियन प्रिंसेस थी,
और उसका ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम कुछ ऐसा ही था। क्या ये हेले बेरी की पतली कमर हो सकती है जो डेडपूल 3 में रिपोर्टेडली कैमियो करने वाली है एज टॉम, या कोई नई एक्ट्रेस दिखेगी एज टॉम इस फिल्म में? एक्समैन तो आ रहे हैं पक्का एमसीयू में, अब कंफर्म ही हो रहा ऑलमोस्ट। फाइनल सीन में मोनिका उड़ सकती है जो कॉमिक्स के हिसाब से उसके पावर्स हैं। कॉमिक्स में ये पावर्स उसे तब मिले थे जब उसके ओरिजिनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स चले गए थे, पर यहां एडिशनल पावर्स में मिलाया गया है उसका ये उड़ना। मैं बड़ा एक्साइटेड हूं इन सारे खुलासों के बाद इस ट्रेलर में द मार्वल्स को लेके। हम तो एमसीयू को लेके वैसे भी एक्साइटेड होते हैं, आपका एक्साइटमेंट लेवल क्या है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। साथ ही लाइक सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा देना ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। द मार्वल्स से रिलेटेड सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। रीसेंट वीडियो जैसे एको का ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो और लोकी का एपिसोड 5 ब्रेकडाउन वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्ड रिव्यू। जस्ट अ नर्ड रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdyView पे, और ProNerdyDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।